हेलो लर्नर्स वेलकम टू अदर्स क्लासेस और आज हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे किसका मैंडलिंग वॉल रिटर्न बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ओके सो लेट्स सो लेट्स स्टार्टेड मैंडलिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल क्वेश्चन आंसर आंसर दिस क्वेश्चन इन थर्टी और फोर्टी वर्ड्स अब यहाँ पर आपको कम कम शब्दों में लिखने से काम नहीं चलेगा बच्चों यहाँ पर अब आपको कितने वर्ड में लिखने हैं थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में आंसर करने हैं सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वेयर वॉज द बॉल वो बॉल कहाँ थी एंड वाई डिड इट वांट मैंडलिंग वाट डिड इट वांट मैंडिंग एवरी स्प्रिंग हर स्प्रिंग उसको बनाने की नीड क्यों पड़ जाती थी और वो बॉल कहाँ थी सो योर आंसर इज़ द वॉल डिस्क्राइब इन द पोम इज लाइकली अ बाउंड्री बिटवीन टू प्रॉपर्टीज और पीसेस ऑफ लैंड तो ये जो बाउंड्री है किसके बीच की हो रही है किसी प्रॉपर्टी या कोई लैंड का टुकड़ा है कोई पीस है लैंड का उसके बीच में जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को डिस्क्राइब कर रहा है ये वॉल एज सजेस्टेड बाई द मैंसन ऑफ मीटिंग टू वॉक द लाइन इट नीडेड एवरी स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेज एट वर्क क्योंकि हर हर वर्ष बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती थी कि वहाँ नेचुरल फोर्सेस है ना फ्लड है आपका क्रैकर्स है सन है शोलो है तो इस सब के चलते से वो वॉल क्रैक हो जाती थी उसमें गैप आ जाता था सच एज फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट हिप्स एंड मोमेंट ऑफ दी ग्राउंड विच कॉस्ड द बॉल टू डेवलप गैप्स एंड फॉल इन टू डिसर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसे होता था द मोमेंट ऑफ द ग्राउंड विच कॉस्ड बॉल टू डेवलप गेस गैप्स तो बॉल में क्या हो जाता था गैप्स हो जाता था क्रैकर पड़ जाते थे क्रैक्स पड़ जाता था और वो फॉल हो जाता था रिपेयर के लिए इसीलिए हर स्प्रिंग में बॉल को मेंडिंग करवाने की नीड होती थी ओके क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज हु इनिशिएटेड द फिक्सिंग ऑफ द बॉल किसने उस बॉल को इनिशिएट करने की पहल की फिक्स करने की पहल की किसने की सो योर आंसर इज इट सीम्स दैट बोथ द स्पीकर एंड द नेवर आर इन्वॉल्व इन द फिक्सिंग ऑफ द बॉल तो भाई दोनों मिले हुए थे उसमें स्पीकर भी जो हमारा ऑथर है और उनका जो नेबर है वो दोनों है ना बोथ दोनों इस वॉल को फिक्स करने में लगे थे एंड द स्पीकर मैंसन कमिंग आफ्टर हंटर एंड रिपेयरिंग वॉल वेयर दे हैव कॉज डैमेज तो अकॉर्डिंग टू द राइटर यहाँ तक आपका आंसर हो जा रहा है लेकिन अगर थर्टी वर्ड्स नहीं हो रहे हैं तो काउंट कर लो तब कुछ लाइन को और बढ़ा लेना यहाँ तक भी लिखोगे दन इट विल भी ओके एडिशनली द स्पीकर लेट्स द नेवर नो अबाउट द गैप्स इन द बॉल एंड सजेस्टेड मीटिंग टू वॉक द लाइन एंड शेड शेड द बॉल बिटवीन दैम अगेन वो दोनों ने क्या तय किया कि भाई चलो वापस से इस दीवार को क्रिएट किया जाए बनाया जाए बाउंड्री को खड़ा किया जाए ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेबर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंडिंग द वॉल नेबर का क्या एटीट्यूड था क्या दृष्टिकोण था दीवाल बनाने की तरफ एंड साइट एग्जांपल्स फ्रॉम द पोम टू सपोर्ट योर आंसर तो आप कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स क्रिएट करिए बताइए then your answer is the neighbor's attitude towards mending the wall appears to be one adherence to tradition and duty rather than genuine desire wo dono ki kya thi yahan pe neighbor ki yahan par genuine desire thi and he repeats his father saying उनके father क्या कहते थे इस बात को वो repeat करते हैं कि good fences make good neighbors कि अच्छा जो बाढ़ है वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं इंडिकेटिंग अ बिलीव इन दी नेसेसिटी ऑफ बाउंड्रीज़ फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशन कि बाउंड्री जो है वो रिलेशन रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती है नाउ योर लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोइट एटीट्यूड टुवर्ड्स टुवार्ड्स दी वॉल थर्ड वाले में नेवर का एटीट्यूड पूछ रहा था एंड फोर्थ वाले में पोइट का एटीट्यूड पूछ रहा है साइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम पोम टू सपोर्ट योर आंसर और अब इसका आंसर आप दीजिए कि पोइट कैसा चाहता था अकॉर्डिंग टू द पोइट द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मैंडिंग द वॉल इज मोर कंटेम्परेटिव एंड क्वेश्चनिंग तो इसके लिए थोड़ा सा पेनफुल वाला था कि बाउंड्री को क्रिएट नहीं किया जाए दो लोगों के बीच में सवाल भरा था द स्पीकर क्वेश्चन द नेसेसिटी ऑफ द बॉल कि क्या ये बॉल नेसेसिटी है जरूरी है बॉन्ड्रिंग अलाउड अबाउट इट्स परपस एंड द रीज़न बिहाइंड इट कंस्ट्रक्शंस कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के पीछे क्या रीज़न है क्या परपज uh, है, एंड देर इज सेंस ऑफ क्यूरसिटी एंड अस्केप्टिमिज्म इन स्पीकर स्टोन एज द पोंडर वेदर द बॉल ट्रूली सर्स अ मीनिंगफुल परपज इन देर रिलेशनशिप विथ देयर नेवर तो ये था आपका सारा क्वेश्चन फोर क्वेश्चन आंसर थे जो कि वी हैव ऑलरेडी डन थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ओके तब तक के लिए खूब पढ़िए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू थैंक्स अगेन